की शुरुआत और सबसे पहले बात भारत जोड़ो यात्रा की। तो आपको बता दें कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आठवां दिन है। बूंदी के बबई से आज के सफर का आगाज यहां पर हुआ है। 13 किलोमीटर का जो सफर है वो यहां पर तय कर चुके हैं और यात्रा अब सवाई माधोपुर के पीपलवाड़ पहुंच गई है। आपको बता दें कि आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी नजर आई है और इसके अलावा यात्रा के पहले चरण में आज महिला शक्ति का कदमताल भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि पहले सत्र में महिला यात्री भी बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा करती हुई नजर आई है। तो आज आठवां दिन है और आज आठवें दिन के सफर में सबसे खास बात यह है कि आज का जो दिन है भारत जोड़ो यात्रा का वो महिलाओं को समर्पित किया गया है। आज का दिन जो है वो महिला शक्ति को यहाँ पर समर्पित किया गया है और ऐसे में आज का पहला सत्र जो है पहली पारी यात्रा की वो यहाँ पर संपन्न हुई है। अब लंच ब्रेक के लिए यात्रा फिलहाल कुछ देर के विश्राम पर है और फिर 3:30 बजे से दूसरी पारी यात्रा की शुरू होगी। ऐसे में पहली पारी में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है राहुल गांधी के साथ यहाँ पर कदमताल करती हुई नजर आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये राजस्थान की तस्वीरें हैं, सवाई माधोपुर की तस्वीरें हैं जहां पर यात्रा यहां पर पहुंची है। आपको बता दें कि 13 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा सवाई माधोपुर पहुंची है और आज पहले सत्र में सबसे खूबसूरत ये तस्वीरें देखने को मिली कि आज का दिन जो है महिलाओं को समर्पित है और ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हुई है, इस कारवा में शामिल हुई है। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है और सोनिया जी ने खुद प्रधानमंत्री को एक दो बार खत भी लिखा है कि ये बिल जल्द से जल्द आप लोकसभा में लाइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको मिलेगा। पर 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो अभी तक वो बिल का जिक्र भी नहीं हुआ है, उसकी बात भी नहीं हो पाई है। पर हम चाहते हैं कि जैसे ही एक तिहाई आरक्षण महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका संस्थाओं में मिला है वही राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में मिले और वो बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। इसका माने है सिर्फ लोकसभा में पारित हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। राज्य जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वहाँ के लोग यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर आज हम सब महिलाओं ने राहुल जी के साथ हमें सौभाग्य मिला कि भारत जोड़ो यात्रा का हम लोग हिस्सा बने और ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी, तमाम विभिन्न प्रकार की महिलाओं ने आज राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के इस यात्रा में अपना समर्थन दिया। आधी आबादी के लिए हर स्टेट के अंदर एक दिन तय किया गया है राहुल जी की तरफ से। बहुत जरूरी है कि महिलाएं फ्रंट लीडरशिप का हिस्सा हो, उनके हाथ में कलम हो जिससे वो निर्णय ले सकें। हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, आगे की लीडरशिप कैसे डेवलप करें एक बहुत गहरी सोच के साथ राहुल जी काम करें। युवाओं और महिलाओं पे उनका हमेशा से खास फोकस रहा है। ये तीसरा स्टेट है जो वो महिलाओं के लिए विशेषकर उन्होंने एक दिन तय कर रखा है कि हर स्टेट के अंदर एक दिन होगा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज आठवां दिन है और सबसे खास आज का दिन, क्योंकि आज का दिन जो है वो यहाँ पर महिलाओं को समर्पित है, महिलाओं का दिन आज का यात्रा का दिन है। और हमारे सहयोगी अरविंद जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज का दिन जो है वो बेहद खास है, अगर यात्रा की बात की जाए तो महिलाओं के लिए समर्पित ये आज का दिन है और इसके साथ ही आज के अगर रूट की बात की जाए तो किस तरीके से आज का पूरा रूट रहेगा और सबसे खास जो आज के दिन को बनाता है वो ये कि महिलाएं जो हैं वो आज के दिन यहाँ पर, उनका ये पूरा दिन है यात्रा के लिहाज से, कौन कौन सी महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई, कितनी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और कौन से बड़े चेहरे, अगर महिलाओं में बात की जाए तो बड़े चेहरे जो है वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बिल्कुल अंकुर, देखिए भारत जोड़ो यात्रा का जो काफिला है वो सवाई माधोपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर चुका है और ये खंडार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जहाँ के बॉर्डर से एंट्री जिले में हुई है और अभी वर्तमान में पीपलवाड़ा
एक छोटा कस्बा है जहाँ पर इनको लंच ब्रेक के लिए जो यात्रा का काफिला है पूरा वो कारवां है रुका हुआ है। बाकी आज का दिन बेहद खास रहा, कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो आधी आबादी को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी जयराम रमेश पीसी कर रहे थे, साथ ही उनके साथ राजस्थान सरकार में मंत्री ममता भूपेश थी, वहाँ पर रिहाना रियाज थी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही दिव्या मदेणा जो विधायक हैं, साथ ही प्रमोद जैन भाया की पत्नी निर्मला भाया जैन भाया जो 12 से जिला प्रमुख हैं, ये कई सारे हस्तियां और नेता डिसूजा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है, वो सब यहाँ पर पीसी में मौजूद थे और सबका एक ही बात कहना था कि कांग्रेस जिस तरीके से महिलाओं को आधी हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, जिस तरह से उनको यूपी विधानसभा में टिकट वितरित किए गए और प्रदेश अगर राजस्थान की बात करें तो जिस तरह से उनको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए 25% का जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, साथ ही बहुत उड़ान योजना चलाकर उनको जो बालिकाएं महिलाओं हैं उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। तो उनका सीधा सीधा कहना था आज का दिन है जो महिलाओं के लिए समर्पित रहा। राहुल के साथ प्रियंका गांधी को पाकर जो महिलाएं थी यहाँ पर, महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता थी, वो बेहद खुश और नजर आई, बेहद उत्साह में नजर आई। आपने देखा होगा कई जगह वो राजस्थानी लोक परंपरा जो है उसके साथ नृत्य करती हुई और गाते बजाते हुए रैली में शामिल हुई, यात्रा में शामिल हुई और कई सारी महिलाओं ने राहुल गांधी से वार्ता भी की है, मुलाकात की भी है, उन्होंने अपनी बात भी उनके समक्ष रखी है। आज का दिन जो है महिलाओं के लिए बेहद खास रहा है और सुबह से लेकर अब तक लगातार महिलाओं का ही रैला देखने को मिल रहा, महिलाएं जो है आज की पदयात्रा में काफी भारी संख्या में शामिल हुई। फिलहाल यात्रा अभी जो पीपलवाड़ा का बी कैंप है वहाँ पर लंच ब्रेक के लिए रुकी हुई है, 3:30 यहाँ से यात्रा रवाना होगी और उसके बाद कुस्तला में कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, उसके कुछ देर बाद ही बोरिफ पे जाकर इनको रात्रि विश्राम दिया जाएगा। जी अंकुर, ठीक है, बिल्कुल अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार ये जो यात्रा है वो जारी है, ये जो कारवां है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल लंच ब्रेक के लिए यात्रा रुकी हुई है और फिर 3:30 फिर से दूसरे फेज की जो यात्रा है आज की वो शुरू होगी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज सुबह करीब